खरगोन जिले के सनावत में एक निजी अस्पताल की महिला डॉक्टर की लापरवाही उजागर हुई है, जिसमें डिलीवरी के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई, जिससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। हम आपको बता दें कि ग्राम भोगांव के नरेंद्र बिल्ला द्वारा अपनी 24 वर्षीय पत्नी दीपिका को प्रसूति के लिए सनावत के निजी अस्पताल में लाकर एडमिट कराया था और डॉक्टर की लेट लेपति के कारण प्रसूता को अचानक झटके शुरू हो गए और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। लिहाजा घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही उजागर करके उचित कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान मृतका के पति नरेंद्र ने महिला सर्जन संगीता बाके के ऊपर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए दंडात्मक कार्यवाही करने की बात कही है। बहरहाल मामला संज्ञान में आने के बाद अब जिला स्वास्थ्य अधिकारी रजनी डावर ने मामले की उच्च स्तरीय जांच करके कार्यवाही करने की बात कही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मैं गया था सुबह 6:10 को, 6:10 के बाद मैडम के पास गया था, बोले 8 बजे होंगे, 10 बजे, 11:30 बजे, फिर उसके बाद 2 बजे टेस्ट करूँगे। और उनको बोला तो बोले कि मैं ज़्यादा टेस्ट नहीं कर सकती, इन्फेक्शन फैलेगा, तो इन्फेक्शन उनके सीरियस पेशेंट है, आपको चेक करने के लिए आना पड़ेगा। तो बोले कि नहीं आऊँगे, तो इस बीच में उनको झटके चालू हो गए और ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण जान चली गई। अब उनको बताया कि टेस्ट करने के लिए तो नर्सों को स्टाफ को भेज रहे थे और नर्स दो आ रहे थे तो वो भी चिल्ला रहे थे, तो मतलब पेशेंट की लापरवाही है उनके पास, स्टाफ पूरी तरह से लापरवाह है। मैडम की जानकारी के अनुसार वो बोल रहे थे कि काम करूँगी पर 2 बजे के बाद में, उससे पहले नहीं करूँगी। मैडम है नहीं तो वो मैडम एक ही है सनावन में अवेलेबल, वो आएंगे जब भी होगा। मैंने कहा कि अगर आपको कुछ भी ऑपरेशन वगैरह कुछ भी करवाना हो तो कर देना फटाक से, क्योंकि सीरियस पेशेंट है, इनको तकलीफ हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, दर्द पेन ज़्यादा हो रहा है, इस कारण से ध्यान नहीं दिया उनकी, प्योर लापरवाही है, उसी कारण जान चली गई, इस कारण से उनकी जान चली गई। क्या चाहते हैं आप? मैं कार्रवाई पूरी तरीके से चाहता हूँ, जल्द से जल्द उनकी कार्रवाई हो। कहाँ का शिकायत करी आपने? शिकायत अभी कहीं नहीं करी है। अब कहाँ करोगे? जैसे कार्रवाई के लिए शिकायत तो करना पड़ेगा, शिकायत जहाँ भी करना होगा वहाँ करूँगा, थाने पे। नरेंद्र बिरला पिका 7 बजे एडमिट किए थे, नर्स थी वहाँ पर, मेन डॉक्टर कोई नहीं थे, इनको बोला हॉस्पिटल में, बोले कि 11:30 बजे मैडम आएंगी, 11:30 बजे मैडम आए, मैं गया नीचे बुलाने तो बोले कि 2 बजे के पहले नहीं देखूंगी मैं। फिर मैं अर्जेंट में गया तो बोले कि बेहोशी वाले डॉक्टर ने 1 बजे आएंगे, अब 1 बजे ऑपरेशन करेंगे। इस बीच क्या घटना करोगे? इस बीच घटना झटके आ गए, झटके आएगी घटना हो गई 10 मिनट, इसके बाद सबको बुलाया तो क्या काम था, बीपी हाई हो गया। हाँ लापरवाही, पूरी लापरवाही, बताया नहीं इमरजेंसी, 3 बार गए, एक बार से क्या होता है सर, नहीं पहुंची। मैं 11:30 बजे खुद गया था, बोले 2 बजे देखूंगा मैं, सुबह देख लिया मैंने 6 बजे। हॉस्पिटल की लापरवाही से मतलब? हाँ हॉस्पिटल की पूरी लापरवाही है, पूरी लापरवाही। तो मैडम थे वहाँ पे, मौके पे नहीं? मैडम नहीं थी, मैडम तो देख के चले गए थे हॉस्पिटल में, बाद में आए 11:30 बजे, तो मैं गया नीचे तो बोले 2 बजे देखूंगे। अगर मैडम वहाँ होती तो महिला की बच्ची जान बच सकती। हाँ बच सकती। क्या चाहते आप? कार्रवाई करो नहीं, कार्रवाई पूरी तरह से 100% में। दौरान मौत हुई, नवजात शिशु भी जिसमें लापरवाही के कारण हुई है, डॉक्टरों की लापरवाही, परिजनों ने आरोप लगाया। बिल्कुल, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डेथ हुई है और बच्चे की भी डेथ हुई है, उसकी बिल्कुल हम जाँच करवाएंगे, उसके बाद ही हम इसको और बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार की जांच? जांची कार्रवाई करेंगे कि उस हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था है, क्या था उनकी केस शीट में, कि कब महिला कब आई थी, उसकी क्या स्थिति थी, ये पूरी सारी जांच की टीम बनाई जाएगी और उसको भेज के जांच करा के बाद उसको। जो डॉक्टर एब्जर्व कर रहे थे उन्होंने भी माना है कि हमारे से लापरवाही हुई है इस मामले में, तो इसके लिए बिल्कुल इसके लिए कार्रवाई के लिए हम तो कार्रवाई करेंगे, यदि वहाँ पे जो भी होती है उसके नियमानुसार वो कार्रवाई की जाएगी। जांच हॉस्पिटल में अगर ऐसी दशा में क्या ऑपरेशन नहीं, यदि एनेस्थेटिस्ट नहीं है, यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्योंकि वो लोग मतलब बुलाते हैं या वहाँ पे होना भी चाहिए तो ही मतलब आप ऑपरेशन कर सकते हैं, बिना उसके तो एनेस्थेटिस्ट नहीं है तो आप ऑपरेशन कैसे करेंगे? मैम सनावत में 5 अस्पताल और एक एनेस्थेटिया वाले डॉक्टर है, तो वो किस तरह से चला पाएंगे बिना एनेस्थेटिया डॉक्टर के, चलता क्या अस्पताल? नहीं बिल्कुल नहीं, ओटी के लिए परमिशन रहती है इस तरीके से, जिस प्रकार पूरे हॉस्पिटल के लिए परमिशन जब डॉक्टर्स के वो लोग नाम भेजते हैं, यदि ऐसा कुछ है तो हम उसको बिल्कुल दिखवा लिया जाएगा कि यहाँ पे पूरी स्थिति है, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, यदि वो है उसका तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा।
मैडम जिला स्तर पर कोई ऐसी कार्रवाई जब मीडिया उठाता है इस बात को जब भी समझ में आती, पहले क्यों नहीं समझ? नहीं, क्योंकि इसकी जानकारी जैसे ही मिलती है तो कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। जिला स्तर पर आपकी तरफ से कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है जिले में? बिल्कुल होती है, मॉनिटरिंग हॉस्पिटल्स की होती है। गर्भ में बच्चा था उसकी भी मौत हुई, लापरवाही का आरोप परिजन लगा रहा है। ऐसा हुआ था, कल सुबह पेशेंट 6:30 बजे हमारे हॉस्पिटल होली क्रॉस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। पहला बच्चा था, मरीज को प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी। मेरे द्वारा मरीज को 7:30 बजे देखा गया, जांच करके मैंने ये पाया कि नॉर्मल प्रसव कराया जा सकता है, जिसके लिए मैंने उसको कुछ दवाइयाँ दी और ये समझाया कि 2 बजे तक इन दवाइयों का असर पूरा होगा। जब मैं रिपीट चेक करके बताऊँगी आगे नॉर्मल के लिए अपने को ट्राई करना है या सीजर पर जाना है। इस बीच इस दौरान 9:30 बजे प्रसव पीड़ा बढ़ने के समय जब पेशेंट से दर्द सहन नहीं हुए, उसने मुझे बोला कि मैडम हमारा सीजर कर दो, हमें दर्द नहीं सहन हो रहे। जब अटेंडेंट से पूछा गया कि आप रेडी हैं सीजर के लिए, आप साइन कर दो, तो बोले नहीं, इस अस्पताल में तो सिर्फ सीजर होते हैं, मुझे यहाँ सीजर नहीं कराना, मुझे अपने पेशेंट को यहाँ से लेकर दूसरे अस्पताल में जाना है, दूसरी मैडम से मैं सीजर करवाना चाहता हूँ। हमने उनको बोल दिया कि आप ले जा सकते हैं। पेशेंट ने पेमेंट वापस ले लिया, एडमिशन वापस ले लिया, पर पेशेंट यहाँ से गया भी नहीं, ऑब्जर्वेशन के तौर पे यहाँ पे रुक गया। पेशेंट को प्रसव पीड़ा थी तो हमने कहा ठीक है रुक जाने देते हैं। फिर जब मैं ओपीडी के समय पे यहाँ 11 बजे पहुँची तो मुझे पता चला पेशेंट अभी तक नहीं गया है, यहीं अस्पताल में रुका हुआ है। अटेंडेंट ने मुझे आके पूछा कि मैडम क्या स्थिति है, मैंने बोला सीजर की आपकी तरफ से बात आई थी, पेशेंट को प्रसव पीड़ा सहन नहीं हो रही तो हम सीजर कर सकते हैं, तकलीफ ज़्यादा है तो उस समय भी रेडी नहीं थे ऑपरेशन के लिए। इस बीच मैंने उन्हें यह भी बता दिया कि बेहोशी वाली मैडम हमारे सनावत में एक ही हैं, अगर समय पे आप नहीं बता पाएंगे तो मैडम कहीं और केस में चली गई तो हम नहीं ले पाएंगे तुरंत के तुरंत। तो वो बोले हम सोच के बताते हैं। करीब 12:30 बजे के आसपास मरीज को इस बीच झटका आ गया अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से, जो शुरू से अभी तक नॉर्मल चल रहा था। बच्चे की धड़कन और मरीज का ब्लड प्रेशर सब कुछ अभी तक नॉर्मल चल रहा था, प्रसव पीड़ा धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो उन्होंने बोला कि मैडम आप जल्दी से जल्दी सीजर कर लो। बेहोशी वाली मैडम से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला मैं 1 बजे तक आती हूँ, 1 बजे अपन सीजर के लिए ले लेंगे। जैसे ही अटेंडेंट रूम से बाहर गए, ऊपर से सिस्टर मेरे पास दौड़ती हुई आई कि मैडम मरीज के झटके आ गए हैं। झटके के समय पर मरीज का बीपी 150-110 के अराउंड पाया गया, जिसके लिए उसे सारे इंजेक्शन झटके रोकने के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए दिए गए। उस समय तक बच्चे की धड़कन ठीक थी, पर पहले झटके के बाद मरीज गंभीर अवस्था में पहुंच चुकी थी। फिर मैंने बेहोशी वाली मैडम और मेडिसिन के डॉक्टर को तुरंत बुलवाया। इतनी देर में दूसरा झटका इतनी इंटेंसिटी के साथ आया कि मरीज की जान तुरंत चली गई और बच्चे की धड़कन पेट में मिलना बंद हो गई। अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ना जिसके कारण झटके आना और जो दूसरा झटका था उसके बाद पेशेंट सडन कार्डियक अरेस्ट में चली गई। आरोपी का परिजन कहना है कि जैसे उनको मैडम जानकारी लगी तबीयत बिगड़े तो आपको बुलाया 11 बजे, आपने 11 बजे समझ दिया, फिर 2 बजे 11 बजे तो ये था कि पेशेंट के अटेंडेंट जाना चाह रहे थे, जा रहे थे, तो मैंने अटेंडेंट से पूछा कि आप क्या चाहते हो, तो बोले कि हम अभी देखना चाहते हैं कि क्या करना है। मैंने बोला सीजर करना है जल्दी से बताओ कर लेते हैं। पेशेंट स्टेबल कंडीशन में थी, ब्लड प्रेशर बीपी और बच्चे की धड़कन नॉर्मल चल रही थी। बार बार बुला रहे थे वो लोग और आप नहीं आ पा रहे थे? नहीं, मैं इस अस्पताल में ही रहती हूँ, सुबह 8 बजे भी मैंने देखा गया और वो तकलीफ थी उनकी, दर्द नहीं सहन कर पाने वाली। लापरवाही के चलते दोनों की लापरवाही इसमें ये हुई है कि जैसे ही मरीज का ब्लड प्रेशर और जो झटके आने के बीच में कोई समय नहीं मिल पाया, तो मैं पहले से उनको ये अवगत नहीं करा पाई कि ये झटके आने की समस्या क्या होती है, इसमें मरीज को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और इसमें अचानक जान चली गई, क्योंकि ये सब 5 मिनट के अंदर हुआ। मैं उनको पहले से ये सब कुछ नहीं बता पाई क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन पहले से नहीं थी। अगर होती तो मैं बेहोशी वाली मैडम का इंतजार ना करके पेशेंट को यहाँ से रेफर कर सकती थी समय रहते। बेहोशी वाली डॉक्टर का भी लेट लती भी आना बताया गया? नहीं, वो ऑलरेडी केस में थी। नहीं, वो ऑलरेडी दूसरे केस में थी, इस चीज़ की जानकारी मुझे थी। ये मैंने पेशेंट के अटेंडेंट को साफ साफ, जो खुद भी डॉक्टर है, उन्हें समझा दिया था कि आप समय रहते बता दो, और पेशेंट को सीजर करने की कोई अर्जेंट कंडीशन थी ही नहीं, सब स्टेबल चल रहा था। वैसे भी हमारी तरफ से 2 बजे तक का नॉर्मल ट्रायल चल रहा था, दर्द थोड़े बड़े, पेशेंट मना कर रही थी कि मुझे नहीं कराना है नॉर्मल डिलीवरी, इसीलिए सीजर होना था। सनावत में कितने हॉस्पिटल बेहोश के डॉक्टर कितने हैं यहाँ पे? और बेहोशी के डॉक्टर अभी तो अभी की सिचुएशन में आज की तारीख में एक ही है और वो सारे ही हॉस्पिटल में कवर करते हैं। बस वो ये होता है कि हॉस्पिटल वाले इमरजेंसी में उनको पहले बुला लेते हैं, दूसरा कोई केस जो डिले कर सकते हैं, जो इलेक्टिव केस होता है वो बाद में हो सकता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो इन दिक्कतों को झेलना ही पड़ता होगा। ऐसा कई बार हो जाता है, लेकिन जल्दी से जल्दी मैडम आने की पूरी पूरी कोशिश करती हैं। और मैडम हमारे यहाँ आ भी गई थी झटका आते ही, ये झटका अचानक आया, अगर पहले से कुछ भी पता होता तो हम पेशेंट को रखते नहीं, रेफर कर देते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।